फोन लेके आओ, किसका फोन आ रहा, लेके आओ लेके आओ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ जयपुर के तो खैर क्या, राजस्थान के सबसे बड़ा कैमरा मार्केट में, जहाँ आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा कैमरा आपको कौन सी दुकान से परचेज़ करना चाहिए, उसमें कि क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको कहाँ से ख़रीदने चाहिए, ऑल एवरीथिंग। इस वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा मैं। करते हैं चल। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं कैमरा मार्केट, इसका नाम है मोर्जे टावर। और ये जगह आपने ज़रूर सुनी होगी, ये रायसर प्लाजा के जस्ट पास में है, बोले तो अजमेरी गेट जयपुर पे है और उसके पास में ही है। तो सबसे पहले एंट्री करते ही आपको मिलेगा भाई ये सोनी का सबसे बड़ा सेंटर, यानी ये मान लो कि राजस्थान के सबसे बड़े सोनी सेंटर में शामिल है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट बजट में, कहने का मतलब उचित प्राइस में आपको मिल जाएगा कैमरा सोनी का। इसके अलावा सामने कुछ निकॉन के कैमरों की दुकानें हैं, आसपास में कैमरा रिपेयर की दुकानें हैं और कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट्स की दुकानें जो है। अभी मैं पहुंच चुका हूं मेरी फेवरेट दुकान पे, ये दोनों भाई मेरे फेवरेट है, बहुत मस्त बंदे भाई ये दोनों। तो ऐसा है कि जस्ट मैं पहुंच चुका हूं अपने कैमरे के पैनासोनिक, इसमें कुछ उल्टा सुलटा दिख रहा है हालांकि। तो ये भाई है जो यहाँ पे लूमिस का कैमरा बेचते हैं, पैनासोनिक से रिलेटेड आपको कुछ भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको जो कुछ ख़रीदना, ऐसा है कि इनके साथ कैमरे के अलावा कैमरे की काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स भी मिल जाती है, तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इनको कॉल कर सकते हो। रेट्स वेट्स भी बता दोगे ना ऑनलाइन ही, मतलब फ़ोन पे ही। ऐसा है कि जहाँ तक आप संतुष्ट कर देना, बाकी तो ऐसा आपको पता है दुकान पर आना ही पड़ता है चीज़ों का। अगर टेस्ट वेस्ट भी करना होता तो फ्री डेमो वगैरह भी मिल जाते होंगे। तो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज है भाई पैनासोनिक की, एक बार फिर से आप दुकान देख लो और बाकी के कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब इनसे कुछ खरीदना है, वो खरीदने की भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। ऐसा है इनके पास रिंग लाइट्स वगैरह भी है, ट्राईपोड्स वगैरह भी है, तो मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ खरीदनी थी। वो नहीं है आपके पास, वो थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, मतलब पहले लेके गया था, हाँ वो फ्लेक्सिव टाइप का सा, डंडे टाइप का सा, वो मंगाना पड़ेगा ऊपर से मंगाना पड़ेगा। ऐसा है भाई काफ़ी सारा सामान इनके पास, ऊपर नीचे हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं। तो ये तो थोड़ी कड़क चीज़ लग रही है यार, है ना। तो जस्ट ये मान लो कि श्याम भैया पहुँच चुके हैं और श्याम भैया के दोस्त आ चुके हैं, अब इनके लिए खरीदने थे भाई हमको माइक्स, तो माइक्स तैयार है ऑलमोस्ट, इनको ट्राइपॉड से चीज़ से भी खरीदने हैं। दोनों ने नया नया चैनल स्टार्ट किया है तो इनको भी सपोर्ट करना है, इनके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बाकी हमारा आ चुका है भाई मेरा वाला ये, और भैया के लिए भी शायद यही, कोई दिक्कत नहीं, देखो ये भी। तो ऑलमोस्ट अभी तो हम लोग ये सब खरीद रहे हैं, बाकी तो मैंने जस्ट लगा लिया अपना ट्राईपोड और ये काफ़ी ज़्यादा वाइड नज़र आ रहा है मेरा भाई, ये वाला लिया है मैंने फ्लेक्सीबल ट्राईपोड, तो जस्ट लगा हुआ है ये भाई श्याम भैया का है और ये ऑलमोस्ट मुझे पसंद आ गया। देखो सारा कुछ कवर हो रहा है, हालांकि थोड़ा हिल रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा। इससे कैमरा भी बहुत कम हिल रहा है, फाइनली मैं इसको ख़रीद रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी हम जल्दी ही ख़रीद लेते हैं, फिर घर पहुँचना है जल्दी से, बाकी कैमरा मार्केट में आपको दिखाऊँगा मैं। ऐसा है कि लॉकडाउन में दुकानें सिर्फ 4 बजे तक चालू रहती है, तो बाकी सिर्फ एक दुकान चालू है, बाकी तो ये दुकान वही है जहाँ अपन सामान खरीद रहे हैं। बाकी का कैमरा मार्केट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहने का मतलब कौन कौन से कैमरे यहाँ पे मिल जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ों की रिपेयरिंग मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कराऊंगा। अभी तो वीडियो में बहुत कुछ है देखने को, बाकी तब तक ऐसा है कि भाई इनसे अब रेट पर डिस्कस चलेगा थोड़ी देर। देखो ऐसा है ऑलमोस्ट, आपको पता है कोई चीज़ खरीदते हैं तो रेटों पर डिस्कस चलता ही है, पर ये बंदे बड़े मस्त हैं अपने लिए, तो खैर अपन हर चीज़ किफ़ायती है भाई। श्याम भैया ने खरीद लिया ये बोया का माइक और ये एक ट्राईपोड, ये गोरिल्ला ट्राईपोड है सॉरी, अभी इनकी कीमत पे डिस्कस चल रहा है भाई। श्याम भैया बोल रहे भाई मैं इनके 900 रुपये दूंगा, वो बोल रहा है 1000 है। ऐसा है कि ऑनलाइन मार्केट से तो फिर भी सस्ता है, बोया का माइक आपको 800 रुपये का समथिंग का मिलेगा ऑनलाइन, तो यहाँ आपको आपको 500 रुपये का मिला है। और ये गोरिल्ला ट्राईपोड मुझे भाई ऐसा है ऑनलाइन तो ये 1800 रुपये का दिखा रहा था, यहाँ पर लास्ट 450 रुपये का है। कहने का मतलब हर चीज़ इतनी बेस्ट क्वालिटी की है और हर चीज़ बेस्ट अपने बजट में है। कहने का मतलब ऑनलाइन मार्केट से आपको समथिंग 30-40% तक तो कमी मिलेगा ये मान लो। तो फाइनली हमने ये परचेज़ कर ली है, अब बाकी का मार्केट दिखाऊंगा आपको एक मिनट बाद। भाई ऐसा है जयपुर के सबसे बड़े कैमरा मार्केट के सबसे बड़े किंग यही है भाई साहब। तो ऐसा है कि इनका बहुत ज़्यादा फनी मूड भी है, और वो दुकान मैंने दिखाई थी ना अभी जस्ट साइड की, ये वाली ये सर की है, और आप साईं सर्वानंद के नाम से जब भी दुकान पे आओ भाई साहब के पास ज़रूर आना, बहुत बेस्ट नेचर है इनका।
आपको चीज़ें बेस्ट किफ़ायती और मेरे नाम से लेना आप, ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा पक्का। तो ये तो हो गई भाई दो ही दुकान चालू, बाकी आपका जो बंद हो चुका वो कैमरा मार्केट भी दिखाएंगे। ये मान लो यार लॉकडाउन चल रहा है तो दुकानें 4 बजे बंद हो जाती है, बाकी तो ये मान लो कि यहाँ पे आपको रिपेयरिंग की दुकानें हैं नीचे ये कुछ, तो इसमें भी आपको रिपेयरिंग ही मिलेगी। इसके अलावा जस्ट आगे चलो तो इस सामने की दुकान जो है भाई कैनन के कैमरे बेचती है, और ये वाली जो है ये फ़ोटोशॉप वगैरह की चीज़ें मिलती, कहने का मतलब फ़ोटो फ्रेम वगैरह वगैरह। अब ये जस्ट राइट हैंड पे जो कैमरे की दुकान है जस्ट मैं दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन ये है कैनन का सबसे बड़ा शोरूम है भाई ये राजस्थान का। इसके जस्ट पास में मान लो कि ये कैमरे की मार्केट है, वो कैनन का सबसे बड़ा तो नहीं पर सबसे बड़ों में शामिल था। ये सामने की दुकान है जो है, यहाँ पे भी लुमिक्स के कैमरे मिलते हैं, लुमिक्स रिलेटेड सारी चीज़ें, दुनिया के बड़े से बड़े लुमिक्स के लेंस। इसके अलावा अडोस पडोस की जो दुकान है ये रिपेयरिंग की है, और ये अपने लेफ्ट हैंड पे है निकोन की बेस्ट दुकान। इसके अलावा ये मान लो कि आपको कवर बैटरीज वगैरह वगैरह, कहने का मतलब कैमरे की बैटरी वगैरह, और ये है कुछ शादी से फ़ोटो से रिलेटेड कुछ काम। बाकी जस्ट घूम फिर के मैं फिर से पहुंच चुका हूं भाई राजस्थान के सबसे बड़े सोनी मार्केट की दुकान, ये भाई श्याम जी की दुकान है, इसके नाम से फेमस है, श्याम जी की दुकान है, दुकानदार का नाम है। बाकी बहुत ज़्यादा कहने का मतलब इसमें ऊपर भी 4-5 मंजिलें हैं, तो ऊपर जाने का टाइम नहीं है क्योंकि ऊपर के गेट अभी बंद हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी दुकान बंद हो चुकी है, ओनली ये दो ही दुकान चालू है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और यही सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट रखती है ये दुकानदार।